नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मैं करीब 3 महीना लग गया था, 3 महीने के बाद मैं आपका सामने अपने को प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक्चुअली उड़ीसा में लॉकडाउन शटडाउन काफ़ी सारा देश में भी चल रहा था। एक्चुअली धीरे धीरे हम कोविड का ये में उधर रहे हैं और कुछ कुछ इकोनॉमी एक्टिविटी चल रहा है। मैं इकोनॉमिक्स को ऊपर अभी बात नहीं करूँगा। एक्चुअली देखिए, जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा वो भी ठीक ठाक हो गया, वो चला ठीक है। तो कुछ कुछ आस्था विश्वास का ऊपर जो हमारा चलता है दुनिया, वो भी कुछ फल दे रहे हैं एक्चुअली। और आज मैं इस वीडियो में एक्चुअली मैं सोचता था इकोनॉमिक्स पर बात करूँगा, और आज आरबीआई अपना पॉलिसी डिस्कस किया जो रेपर रखा ये, उसका पर मैं जाऊँगा नहीं। एक्चुअली मैनी पीपल मे नॉट लाइक एक्चुअली। अभी हम मर्चेंट का बात करेंगे। एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि मैं एक मर्चेंट नेवी के कंसल्टेंट हूँ, और किस लड़कों को कहाँ पर करके उनको मर्चेंट नेवी में एस्टेब्लिश करता हूँ। ये तो जो नेवी का इंडियन नेवी का जो बच्चे लोग हैं उनको मैं एक्चुअली डू देयर प्लेसमेंट सैतान को गाइड करके करता हूँ मैं एक्चुअली। अभी पिछले 1.5 साल से जीपी रेटिंग कोर्स जो है वो बंद हो गया था एक्चुअली। ओनली कुछ इंस्टीट्यूट जो ऑनलाइन में ये ओपन CDC जिसको कहते हैं SC CW कोर्स करते थे, तो उन्होंने उस सी एम में मैंने कुछ कोर्स कराया एक्चुअली। उड़ीसा में तो 16 तारीख को खुल रहा है एक्चुअली, 16th ऑफ दिस मंथ उड़ीसा इज ओपनिंग फॉर द इंस्टीट्यूट्स, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो करके मैंने भी इस बीच में मैंने जो फॉरेन कंपनी जो क्यू टर्नओवर के लिए चेंजिंग लेते थे उनका ये में भी मैंने पब्लिक को भर्ती किया। तो अभी धीरे धीरे खुल रहा है, तो लेकिन मैं एक्चुअली जो जीपी रेटिंग जो चाहते हैं लोग जीपी रेटिंग जो है, और मैं क्लैरिफाई करता हूँ जीपी रेटिंग और जो ओपन CDC SC CW ये बता रहा हूँ। जीपी रेटिंग जो करते हैं एक्चुअली उन्होंने काफ़ी पैसा खर्चा करते हैं। अभी जीपी रेटिंग कोर्स चालू हो गया है 1.5 साल का बाद, आफ्टर 1.5 ईयर जीपी रेटिंग कोर्स है स्टार्टेड। मैं इंस्टीट्यूट याक शुरू कर दिया है और भागीरथ इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग चालू किए हैं क्योंकि गवर्नमेंट परमिशन दे दिया है। जो फिजिकल कोर्सेस होता है फर्स्ट एल ESC होता है, तो जीपी रेटिंग का जो ये है काफ़ी डिमांड है मेरे पास, काफ़ी आ रहा है कि बोल रहे जीपी रेटिंग का कोर्स किए हुए तो कुछ को हमको दो। लेकिन जीपी रेटिंग तो 1.5 साल हो गया, बंद हो गया था ना, अभी चालू हुआ है। अभी जीपी रीडिंग पर निकलेंगे दिसंबर में निकलेंगे, उसके बाद वो CDC अप्लाई करेंगे, जनवरी में निकलेंगे। तो ये नहीं, थोड़ा सा ये तो ओपन CDC जो करते हैं, जो सिंपल SC CW जो करते हैं एक्चुअली, उनको मैंने जो लाइनअप किया है कुछ लोगों। जब उड़ीसा में बंद था एक्चुअली इंस्टीट्यूट बंद था, कलकत्ता में खुला था, कलकत्ता में लेकर उनको मैंने करा दिया कोर्स।
ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली जो जीपी रेटिंग 6 महीने कोर्स करता है एक्चुअली पैसा खर्चा होता है, 1.5 लाख से 2 लाख 2.5 लाख खर्चा होता है। उनको जो सी ट्रेनिंग करना पड़ता है ना उनको वॉच कीपिंग के लिए, उनको 6 महीने में मिल जाता है। इंजन गाइड 6 मंथ्स और जो नॉर्मल इंजन गाइड के लिए वो जहाज का जो इंजन का कैपेसिटी जरूरत होता है और जो नॉर्मल डेक साइड है उसका उनका पर जेट का जरूरत है। जेट मिनिमम 500 जेट का ऊपर होना चाहिए। तो ये होता है तो उनको हम चढ़ा देते थे तो ऐसे करके करते थे। लेकिन जीपी रेटिंग कोर्स अभी चालू हो गया है और लेकिन फिर भी हमारा हम तो उड़ीसा के हैं, उड़ीसा में हम लोग थोड़ा गरीब है एक्चुअली, पैसा वैसा ज़्यादा नहीं है। तो मर्चेंट में जाने के लिए किसको मोटिवेट करके ये करके इन्वॉल्व करके करना बहुत मुश्किल है। कोई ज़मीन जायदाद भेज देता है एक्चुअली। हालांकि शिपिंग ज्वाइन करने के बाद वो ठीक है, वो राजा बन जाता है। पैसा तो शिपिंग लाइन में आप लोग जानते हैं चलो बहुत पैसा है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ जीपी रेटिंग जो करेंगे उसके लिए 6 महीना टेक्निकल 9 मंथ्स डेक साइड, उनको एक OJT करना है, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी COC मिल जाएगा। लेकिन जो ओपन CDC जो है जिनको मैं भर्ती करा रहा हूँ उनके लिए 18 महीना 15 महीना टेक्निकल 18 महीना जो डेक सेट को करना पड़ेगा उसके बाद उनको मिलेगा वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट। ये इंडियन गवर्नमेंट का रूल है। उसके बाद मैं कैसे टेक्निकली क्या करता हूँ ठीक है बोल देता हूँ आपको। 9 महीने का एक ट्रेनर कंप्लीट किया उसके बाद पनामा साइड से निकाल के AB करके उसको निकाल देता हूँ मैं। ये मैं एक्चुअली फर्जरी कर रहा हूँ लेकिन ये फर्जरी सबके लिए ये इट इज़ नॉट करेक्ट एक्चुअली। मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। तो ये है। उसके बाद आज AB हाँ लोग कहते हैं कि हम छोटे से ये में ज्वाइन करेंगे तो हम अफसर कैसे बनेंगे। मैं भी अफसर बना है इंडियन नेवी में बना है, CW कोर्स करके बना है। तो इसे मर्चेंट नेवी बहुत कोर्सेस है, आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और आप AB हो जाओगे उसके बाद 3 टेनर करो COP निकालोगे सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। उसके बाद फिर टेनर करो 3 टेनर करो उसके बाद एग्जाम बैठो, बैठ के डायरेक्ट थर्ड ऑफिसर ज्वाइन करो। थर्ड ऑफिसर का बाद वो तो सेकेंड ये यू कैन बी ए कैप्टन। तो ये है काफ़ी चीज़ है एक्चुअली मर्चेंट नेवी में। यहाँ पर मैं मेरा वीडियो कंप्लीट करता हूँ। फिर अगेन आप लोगों को नमस्कार, आदाबाज, सत श्री अकाल, जय हिंद।